खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालय पीलीभीत के कस्बा बीसलपुर क्षेत्र के मोहल्ला हबीबुल्ला खा सुमाली से है, जहां पीड़ित ने बताया कि वह परचूनी की दुकान चलाता है। कुछ समय पहले सचिन दुकान से कुछ सामान उधार ले गए थे। पीड़ित ने दुकान की उधारी के पैसे मांगे तो उपरोक्त दबंग लोग दुकानदार के ऊपर बेरहमी से टूट पड़े और अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, साथ ही 9000 रुपए लूट लिए। पीड़ित लगातार मामले की जांच अधिकारियों से करा रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस अपराधियों से साठगांठ कर चुकी है, जिसके चलते उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है और मामले की सच्चाई अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है। पीड़ित ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की है। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा पीड़ित ने। मेरा नाम राजकुमार है। क्या मामला है ये घटना जो इनके सिर में इतनी चोट लगी है, टाके आए हैं, क्या मामला था? मेरा मामला ये सर, मैं ईसलपुर मोहल्ला हबीबुल्ला खां सुमाली का रहने वाला हूँ, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत जी। हमारा भतीजा ये रात्रि के 8:30 बजे तक दुकान पे था अकेला। रात्रि के 8:30 बजे का समय था, परचून की दुकान है, दुकान पर लेन देन का मामला था। जो उधार पैसे थे वो पैसे की वजह से ये सौदा लेने आए, इन्होंने कहा पहले इस सौदा जब देंगे इसका पैसा मुझे दो और बाद में उधार वाले पैसे दो, तब तो सौदा देंगे वरना सौदा नहीं देंगे। इसी पर उसने गंदी गंदी गालियां दी और उसे कहा अच्छा तुझे हम पैसे ही दे दें। वो वहां से चला गया, वहां से 5-7 मिनट के अंदर गाली में 7 लोगों को लेकर के आया, लेकर के आगे इसने हमला कर दिया, इसे खींच लिया दुकान से, मारपीट इसे किया, पीछे से धारदार बंका मार दिया जो इसके सर में लगा हुआ है, 3 जगह पर इसके बांका मार दिया, ये बेहोश हो गया वहीं पड़ा रहा। जब शोरगोल हुआ, लोगों ने बचाया, बीच बचाव किया, तो मुझे ये किसी तरीके से जानकारी हुई, उस दुकान से लगभग 400 मीटर की दूरी पर हमारा घर है, वहां से जब वहां आया यहां तो ये बच्चा वहीं पड़ा हुआ था। यहां से जब इनको बचाया, मारपीट हो रही थी, आगे इधर उधर से मैंने इस बच्चे को तुरंत लेकर देखा, ये बेहोश पड़ा हुआ है, गाड़ी से तुरंत लेकर के थाने गया, थाने से फिर उन्होंने रेफर कर दिया, तुरंत एक होमगार्ड वाले के लिए भेजा बिलसंडा के लिए। पीसलपुर का जो स्वास्थ्य केंद्र था वो कोरोना के चक्कर में डॉक्टर साहब की पीलीभीत में ड्यूटी थी इमरजेंसी, तो ये बिलसंडा के लिए भेज दिया। बिलसंडा में जाकर डॉक्टर साहब ने जैसे देखा, सबसे पहले तुरंत मेडिकल किया और मेडिकल करके तुरंत रेफर बरेली के लिए कर दिया, इसकी मर्मज्ञ स्थिति थी। मैंने जब देखा, मुझे जानकारी जब ये बच्चे के लिए वहां से लाया, रेफर कर दिया बिलसंडा से बरेली के लिए, इसके पश्चात मैं बच्चे के लिए सिद्धि विनायक अस्पताल बरेली में एडमिट कराया। इसके बाद चला गया, मैंने प्रार्थना पत्र थाने में दिया, थाने में प्रार्थना पत्र दे करके उन्होंने देखा, उसे पढ़ा, कहने लगे घटना झूठ है, इसमें एक लाइन हटा दो लूटपाट की, नहीं तो कहीं दुनिया में चले जाओ, मुकदमा नहीं लिखेंगे। वहां पर सीओ साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, सीओ साहब ने भी पढ़ा, कहने लगे इस लाइन को हटा दीजिए। नहीं, लूट हुई थी क्या? जी, दुकान में लूट हुई थी। 5000 रुपए घर से मंगाए थे सौदा लाने के लिए और सारे दिन की बिक्री थी 4000 रुपए की, 9000 रुपए की वहां से लूट की है। मैं यथार्थ बोलता हूँ, सत्यवादी हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब जगह गया। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना हमारा बीसलपुर लगता है जी, कोतवाली बीसलपुर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा जी ने साफ कह दिया, चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास, एडीजी, डीजीपी, कहीं दुनिया में जाएंगे आप, मेरे पास आएगा, जो मैं करूंगा वही होगा, और तुमको मुलजिम बना करके तो उन पर दबाव बनाया कि तुम पे लूटपाट, छेड़छाड़, बलात्कार आदि जैसी घटनाओं में तुमको हम दर्ज करके जेल भिजवा दूंगा। आपने जिला बरेली में किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया? जी सर, मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, एडीजी साहब के यहाँ दिया है, वहाँ पर एडी साहब यहाँ जो बैठते हैं 2 स्टार वाले, उन्होंने तुरंत फोन लगाया, इंस्पेक्टर साहब का बंद था मोबाइल, उन्होंने सीओ साहब को लगाया, सीओ साहब कहते हैं इनका मुकदमा दर्ज हो गया है पर ये नकल लेने नहीं आ रहे। मैंने सर जानकारी किया, वहाँ कुछ भी नहीं है, जब जाते हैं तो इंस्पेक्टर साहब हमको गालियाँ देते हैं, और जब फिर यहाँ आया तो एडी साहब यहाँ गया, डीआईजी साहब यहाँ आया तो डीआईजी साहब यहाँ जो मतलब हाँ एडी साहब यहाँ आया, एडी साहब जिनके वहाँ फिर मैं मिला, उन्होंने कहा जाइए आप डीआईजी साहब के पास। हमने सारी घटना बताई कि आपको उन्होंने मिसगाइड कर दिया, मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया, तो उन्होंने कहा जाइए डीआईजी साहब के पास। डीआईजी साहब यहाँ साहब अजय कुमार बैठते हैं, अजय कुमार इंस्पेक्टर साहब हैं 3 स्टार वाले, उन्होंने तुरंत हमारा प्रार्थना पत्र लेकर थाने संपर्क किया, थाने उनके मित्र हैं, उन्होंने उनको
जब क्या वार्तालाप हुआ वो जाने, मेरा प्रार्थना पत्र लेकर के मुझे गंदी गंदी गालियां दी और डीआई साहब से नहीं मिलने दिया। मैंने बड़ा अनुरोध किया, हम हमारे भाई दोनों थे, परंतु उन्होंने सुना नहीं, सारी घटना बताई। मैं सिद्धि विनायक अस्पताल में है और मेरे ही खिलाफ 4 लोगों का मुकदमा 307 का लिख दिया है, जो हमारा भतीजा यहाँ सिविल जो मरण स्थिति में पड़ा हुआ है सिद्धि विनायक अस्पताल में। आज स्टाफ में यहाँ सब लोग कहने के लिए तैयार हैं और वही व्यक्ति ने जान से मारने के लिए से अस्पताल में भी आए हैं। मैंने प्रार्थना पत्र यहाँ चौकी पर भी चौकी चौराहे पर दी, लेकिन उसमें 8 दिन तक ना कोई पुलिस वाला आया ना कुछ। और जो लड़का आया था उसका फोटो मैंने इंस्पेक्टर साहब के मोबाइल में भी भेजा, मैंने बात भी किया, लेकिन 8 दिन तक पुलिस ने किसी घटना की कोई जानकारी नहीं ली। और वो उन्हीं के विपक्षियों के साथ में सारी मदद करके हमारा मुकदमा लिखा, जो कल हाईलाइट पेपर में हुआ। अस्पताल वालों से जानकारी की जाए कि मैं इसी अस्पताल में।